एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी लखोली में 12 दिवसीय एडवांस लीडरशिप शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों के लगभग 250 एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिन्हें फौज की नियमित दिनचर्या के साथ साथ सैन्य विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान उनके व्यक्तित्व विकास और मार्गदर्शन के लिए व्याख्यान का आयोजन भी किया जा रहा है। आरंग के पास ग्राम लखोली में चल रहे शिविर के पांचवें दिन मुंबई से पहुंचे विशेषज्ञों की टीम ने कैडेट्स को डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और पब्लिक स्पीकिंग स्किल पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एनसीसी प्रमुख ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास ने कैंप का निरीक्षण किया और कैडेट्स को लीडरशिप और व्यक्तित्व निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए अलग अलग राज्यों से आए कैडेट्स अपनी संस्कृति, वेशभूषा, भाषा और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, जो राष्ट्र को एक और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। इस शिविर में हर दिन एनसीसी और सेना के अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये शिविर 17 जुलाई तक होगा। वैसे तो हमारा ALC कैंप, जिसे हम एडवांस लीडरशिप कैंप कहते हैं, वो चल रहा है और यहाँ लगभग हमें 4 दिन हो चुके हैं और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। पहले दिन तो हमारा एक ओपनिंग सेरेमनी हुआ, जहाँ पे हमारे हमें जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो कमांडिंग ऑफिसर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा ब्रीफ दिया छत्तीसगढ़ के बारे में। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट, जैसे एक MP का ही हार्ट कहा जाता है, जैसे MP का ही छोटा सा टुकड़ा कहा जाता है। दिस इज़ अ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। Here we learned as so many things. When I was come to here, actually I am from Andhra Pradesh. When I was come to here, I was scared lot of things, scared about lot of things. After attending camp, the camp environment completely changed my mindset. The expert team is. Expert team is very nicely teach the classes, and our PA staff is treating me as army. ये एक एडवांस्ड लीडरशिप कैंप होता है पूरे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, जहाँ पे इस बार MP एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्ट्रेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिन्होंने रायपुर ग्रुप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। रायपुर ग्रुप ने 38 छत्तीसगढ़ बटालियन राजा था, तो यहाँ पे करीबन 250 कैडेट्स आए हुए हैं ऑल ओवर MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से।